सो so, बस एक बार अपने आपको पीछे के समय में ले जाइए बाल्डे यहाँ पे आपके जॉर्डी अलबा है ये माल आपके डेवेज है ये पेद्री आपके मेसी हैं फेलिक्स आपके नेमार हैं बाबा ये आपकी -3 -3 बन गई फोर्थ टू डिफेंड इन अ बैक टू बुस्केट्स बुस्केट टू बी द दीप लाइंग थ्री थ्री में ऐसे ही खेलते थे सो so, पेप को मिला है बेस्ट मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड का कल ही और उन्होंने उस गाला में क्या कहा पता है ही सेड कि बार्सिलोना इज द रीजन जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ बारसोला इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड बाह ये हेन तेन सारी बातें उन्होंने कर दी मतलब आई डो नॉट नो वाई हो सकता है कि पिछले मैच में एल क्लासिको का गम अभी तक उन्होंने बुलाया नहीं हो बट एक बात मैं कौन यार पेप गोडोला यार कम ऑन यार बारशाह इतनी पसंद है तुम्हें तो, तो सर आ जाइए प्लीज अभी नहीं बट जा भी कोई सीजन सी ऑफ कर लेने दो प, पेप गोडोला को बुला लो यार सिटी फैंस ऑनस्टली अगर सोचो अगर तो पेप गोडला हैज डन एवरीथिंग एट मैनचेस्टर सिटी एंड ये जो चैलेंज है एक काफ़ी चैलेंज लोग मांगते रहते हैं ना कि पेप गोडला को कोई ऐसी टीम में जाने दो जहाँ पर उनके पास पैसा ना हो एंड ले क्या पेप पे कुछ उखाड़ पाता है नहीं दिस वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज गोडियोला एक यूथ टीम है कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ फाइनेंशियल डेलेमा है अगर वो आते हैं अगर वो चूज करते हैं इट वुड बी ओनली बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो देर बाबा और कोई रीजन हो ही नहीं सकता बिकॉज ही लवस बार्सलोना बट बहुत ज्यादा हाइपोटिटिकल सीनारियो है बट सोच के यू नो लगता है कि यू नो दिस कुड बी वन ऑफ दोस ट्रिकी सिनेरियोस फॉर पेप गोड्यूला टू कमिट बार्सा एंड मैनेज देम एंड सेव देम सेव देयर सीजन वट्स एवर एंड होपफुली वी ऑल गेट टू सी कि पेप गोड्यूला एक ऐसी टीम में विदाउट मनी ओरिएंटेड क्लब में कैसे क्या कर पाएंगे यार ये यार एक पक्चोदी वाली बात है बाद में बाद में बाद में ठीक है बट जो आज का मेन टॉपिक है जिसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि एल क्लासिको की हार के बाद वट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सोला एंड क्या यावी बारसा के सीजन को सेव कर पाएंगे क्या कुछ हमें डिफरेंट इस जावी की टीम से देखने को मिलेगा पेप ने कहा एक और बात कि भाई जावी को सब लोग ब्लेम कर रहे हैं भाई सिर्फ उसको ब्लेम करना बहुत ईजी है प्लेयर्स को भी देखना पड़ेगा प्लेयर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी एंड गाइज रिमेंबर मैं आप लोगों को यही बात बता रहा था ठीक है जितना जावी एट फॉल्ट है बाबा प्लेयर्स भी एट फॉल्ट हैं अगर लिवाडोस की सही डिसीजन नहीं बनाएगा फाइनल थर्ड्स में अगर फेर तोरे सही रन नहीं डालेगा अगर प्लेयर्स उसको फाइंड नहीं करेंगे अगर वो कनेक्शन कॉम्बिनेशन नहीं हमारे पास बनेगा तो यार फिर जावी क्या करे अगर वो मिस्टेक्स कमिट कर देगा डिफेंडर हमारा तो भाई पीछे तो गोल पड़ेगा पड़ेगा तो इन चीज़ों में जावी कांट हेल्प बट या ही इज टू बी ब्लेम्ड एज वेल एंड प्लेयर्स को भी ब्लेम है बट टू बी ऑनेस्ट आज एक मैं ऐसा वीडियो ला हूँ आप लोगों के जिसको मैं बनाने के लिए आई थिंक आई हार्ड अ कन्वर्सेशन ऑफ टू टू थ्री आवर्स विद माई फ्रेंड बट अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपसे बस छोटे में वो बात डिस्कस करना चाहता हूं ये बात काफी लोगों ने बात की है क्रिश्चनसन को डीएम खिलाओ एंड मैं यह बस सोच रहा था कि कैन वी एग्जीक्यूट दैट इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या रिस्क हो सकते हैं एंड देन मैंने सोचा भाई लिवरपूल पर ट्रेंड को भी इन्वर्ट किया था ट्रेंड के इन्वर्जन से रॉबर्टसन का अटैकिंग इंटेंट कम हो गया दे स्टार्टेड दू प्लेन अ बैक थ्री रॉबर्टसन हाफ सी करते हैं मिड और बैक में वो शटल करते हैं मोस्टली वो मिड में रहते हैं जब पोजिशन उनका मिड थर्ड्स में आता है सीटी पर हमने देखा इन्वर्जन हुआ पहले तो कैंसिल होकर

कैन वी कैन डू दैट ठीक है दो हमारे जो बिल्डअप होता है हम क्या करते हैं पिना के पिना के साथ बैक थ्री में बिल्डअप करते हैं तो इसकी वजह से वॉट हैपन्स इसके अपोजिशन का एक प्लेयर नहीं बल्कि दो प्लेयर हमारे प्लेयर्स पर जंप करते हैं सो दैट हमारा बिल्डअप काफ़ी कंफर्टेबल ना हो पाए सो तो इसकी वजह से वी सी दे अदर प्लेयर्स जंपिंग ऑन आर प्लेयर्स तो हमें बिल्डअप में फिर भी एक फ्री मैन मिल जाता है एंड हम अपने बिल्डअप को प्रोग्रेस कर पाते हैं यमाल या जो भी रफीनिया हो पेद्रिया जिस भी प्लेयर के थ्रू ठीक है सो ना मेरा यहाँ पर कहना है यू प्ले क्रिश्चनसन ओवर हेयर मैंने देखो इसको सेंटर सेंटर बैक खिलाया है ना कि लेफ्ट साइडर बैक मैंने और रोहो को लेफ्ट साइडर बैक खिलाया सो ये करने का एक सिंपल सा रीजन ये है आई वॉन्ट क्रिश्चनसन टू स्टेप इन टू द मिड फीड लाइक दिस हम यह खेलते हैं वी प्ले इन अ थ्री टू फोर वन जहां पे यमाल या पैदरी फेलिक्स नंबर टेन्स के रोल्स में होते हैं बट गाइस तुमको पता है हमारा राइट ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सच गेम्स हमने पिछले मैच में मड्रिड के अगेंस्ट बॉल विन नहीं की अपोजिशन थर्ड्स में अब लोग कहते हैं हम हाईलाइन खेल रहे थे बाबा मैं आपको बता दूं इस थ्री मैन की हाईलाइन को कारवाहल ने एक पास से बीट किया चाहे यहाँ पे एक मैन होता चाहे यहाँ पे तीन मैन होते चाहे यहाँ पे पांच मैन होते वो एक लॉन्ग बॉल कारवाहल की आपको टॉप बीट कर ही रही थी तो प्रॉब्लम हाईलाइन नहीं थी प्रॉब्लम ये थी कि आपने कारवाहल को इतना ईजिली वो पास को अलाउ किया एंड जस्ट नॉट कारवाहल यहां का सिस्टम चेंज करने का एक सजेशन दे रहा हूं और आप भी मुझे बताना सही है, गलत है। मेरे ओपिनियन में जो हम बैक थ्री से बिल्ड करते हैं वेरी गुड ठीक है बहुत सी बात है हम अपोजिशन का प्रेस को इनटाइज करेंगे वी कन्वे द बॉल फर्स्ट लाइन ऑफ द बिल्ड से इन टू द सेकंड लाइन ऑफ द बिल्डअप सिटी पे भी अक्सर में देखा है कि गुंडगौ अक्सर इस मिडफील्ड एरियाज में

ठीक है वो चढ़ेंगे आप पे ठीक है सो व्हेन दे आर कमिंग एट यू आपने बॉल बिल्ड की यूटिलाइज यूटिलाइज फ्रेंकी आपने बॉल मिड ज़ोन्स ला दी अब बॉल यहाँ पे गुंडूगौन के पास है ठीक है तो प्लेयर्स यहां पे जंप करेंगे वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम माई टीम इज टू हैव क्रिश्चन स्टेप इन द मिड फील्ड ही बैक टू में थ्री टू फोर वन वी प्ले इन टू थ्री फोर वन अब इससे क्या सीन हुआ हमें देखो पहले तो इस लाइन में न्यूमेरिकल सुपरोरिटी मिली ठीक है गुंडगौन कोई दिक्कत नहीं है जब हम बॉल लूज करते हैं ना so क्योंकि हमारे पास एक लेस प्लेयर इतनी मिडफील्ड एरिया है क्यों क्योंकि भाई हम यहाँ पे थ्री खेल रहे हैं हमारे पास हमेशा एक प्लेयर कम रहेगा कई बार ऐसा हुआ है कि मैन मैनेजर्स हैव हैव सेड सेड एंड प्लेयर्स कि यार जो ये बागे फॉर्मेशन होती है ना ये ज्यादा फेवर्ड क्यों नहीं होती बिकॉज दे दट टेक्स अवे वन एक्स्ट्रा मैन फ्रॉम द मिडफील्ड एंड टेक्स इन टू द डिफेंस हम एक मैन कम दिए हैं मिडफील्ड में हम तीन मैन से कर क्या रहे हैं सो दैट्स द ओनली रीजन वी कैन हैव क्रिशनसन ये बहुत बड़े रिस्क नहीं है बारसा यूज टू डू दैट व्हेन वी हैड अ फोर थ्री थ्री स्ट्रक्चर सो बस एक बार अपने आप को पीछे के समय में ले जाइए बाल्डे यहाँ पे आपके जॉर्डी अल्बा है यमाल आपके डानी आलवेज हैं ये पेद्री आपके मेसी हैं फेलिक्स आपके नेमार हैं बाबा ये आपकी फोर् थ्री थ्री बन गई यू यूज टू डिफेंड इन अ बैक टू बुस्केट्स यूज टू बी द डीप लाइंग क्रिएटिव मिडफील्डर आप फोर्थ थ्री थ्री में ऐसे ही खेलते थे सो हाउ इज दिस वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट नाउ क्योंकि हमने थ्री में ऑलरेडी बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था जब एक बार फर्स्ट लाइन ऑफ द बिल्डअप एक्जीक्यूट हो गया बॉल इज हेयर इन द मिडफील्ड नाउ अब गुंड के पास बॉल है वी एड एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर अब क्योंकि क्रिशनसन है चांस हैज द ऑप्शन टू टू लिंक अप द्ले विथ फ्रिंक दियॉन्ग टू लिंक अप द्ले विथ गुंड गॉन एक फ्लैट मिडफील्ड हो एक स्टार्गर्ड मिडफील्ड हो एक अच्छी मूवमेंट यहां पर हो पेदरी कैन कम इन फेलिक्स इन तो हमने उस एक थ्री बॉक्स थ्री स्ट्रक्चर को डिच किया अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट में आप लोग को बता दो क्या है अगर आपने बॉल लूज की अपोजिशन के हाफ में तो आपके पास कितने प्लेयर्स है बॉल विन करने के लिए आपके पास आठ प्लेयर्स है बॉल विन करने के लिए ऐसे कितने प्लेयर्स होते थे आपके पास सात प्लेयर्स होते थे बिकॉज आपका एक प्लेयर अक्सर डिफेंस में होता था तो नाउ यू कैन हैव एन एक्स्ट्रा गाय इन द मिड फील्ड टू रन दैट गेम टू कंडक्ट दैट बॉल और क्रिस्ट को बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं एंड दैट वुड अलाउ जब बॉल हमारी मिड थर्ड्स में हो न ऑन द बॉल वी कैन अलाउ गुंडू बी दैट फ्री मैन एक बार जब हमने गेम स्विंग पे दे दिया गुंडुगोन कैन बी दैट फ्री मैन अब यहां पर आप गुंडोन को अलाउ कर दियो विद ऑफ अम क्रिश्चन फ्रेंकी डिओंगी दे आर होल्डिंग द फोर्ट पीछे से वो डिफेंडिंग करने की रेडी है अगर हमारी टीम बॉल लूज भी करती है यहां पर तो वील हैव द प्लेयर्स टू सर्कल बैक टू फॉल डीप एंड ट्राई टू डिफेंड दिन वहीं पर हम काउंटर प्रेस करेंगे बॉल विन करने की प्रॉबेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी बिकॉज हमारे ज्यादा प्लेयर्स अब टॉप है सो इमेजिन जहां पर आप सामने वाली टीम जो कि टेन मेन

to have full movement. फुल कंट्रोल इन वॉट वी हैव टू डू इससे हमारे को एक बेनिफिट मैंने काउंटर प्रेस के बारे में बताया वो होगा वी कैन गिव द फ्रीडम टू प्लेयर्स एज वेल जो हमने देखा ना बहुत ज्यादा हम रोबस्ट और स्टबर्न होते हैं बाबा क्या होता है कि हमारे पास भाई यमाल एकदम खींच देंगे पिच को राइट पे कुछ नहीं गाड़ कर सकता बंदा वी कैन गिव द फ्रीडम कि भाई तू यमाल पे इंटीरियर आ जाए भाई हम पेड्री को बाहर भेज देंगे हम क्यों नहीं करते हम क्यों नहीं ऐसे फ्रीडम देते तुम फ्लोरियन विड्स को देखो वो पिच पे लेफ्ट विंग से लेके राइट विंग से लेके वो क्या हम तक खेलता है हमारे पेड्री को क्यों नहीं मौका मिलता है ऐसा तो इथ दिस सिनारियो आई वुड होप क्योंकि पास, प्लेयर्स के पास वो एबिलिटी है वो एक ऑप्शन है टू मूव पेदरी कैन नेचुरल रोल एंड को खिलाफ रॉके को खिला। नहीं so we'll तो डिपेंड करेंगे बाल्डे के ऊपर सिर्फ ले हम नहीं डिपेंड करेंगे यमाल के ऊपर विल हैव मोर प्लेयर्स इन डेंजरस पोजिशन टू कंबाइन एंड अगर हमसे बॉल लूज भी होती है बिकॉज हम क्योंकि नंबर्स पुश किए हैं अपोजिशन भी अपने नंबर्स को फॉल बैक कराएगा डिफेंड करने के लिए अपोजिशन नहीं बैठा है वो कहेगा नहीं भाई तीन लोग ऊपर ही चढ़े रहो हम यहाँ पे देख लेंगे भाई इट वर्क लाइक दैट दे विल हैव टू न्यूमेरिकली उनको मैच करना पड़ेगा सो समथिंग लाइक दैट और भाई रिस्क जैसे मैंने कहा hey, है है ही यार यू आर अफोर्डिंग आप काफी प्लेयर्स ऊपर फेंक रहे हो बट देन अगेन बीट अगर होनी है आपकी डिफेंस लाइन तो भाई वो दो से भी होंगी वो तीन से भी होंगी बट दिस वुड गेट यू टू हैव बेटर कंट्रोल ऑफ द बॉल हैविंग एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिड फील्ड एंड इन दिस वे यावी विल फाइंड हिज फ्री मैन गुंडोन विल बिकम हिज फ्री मैन जिस दिन गुंडोन को फ्रीडम मिल गया ना बेस् रेजिलियंट पोजिशन में गुंडुगान अपने आपको फाइंड करने लग गए बाबा मजा आ जाएगा इसके पास और भी हमारे पास ऑप्शन है आप यहाँ पे फिलिक्स को हटा दो फर्मिन लोपस ला दो फर्मिन लोपस को ला दो गुंडगान को ऊपर भेज दो फर्मिन लोपस से कहो भाई डीप खेल ले तो क्या दिक्कत है बंदा नंबर एट तो यही है गावी आ जाएंगे गावी के लिए कितना बेहतरीन हो जाएगा गावी कुड प्ले ओवर है गुंडूगान वो नंबर टेन खेल सकते हैं गावी कुड प्ले दैट नंबर एट रोल गावी अगर यहाँ पे खेल रहा है बाबा आपको दिक्कत ही नहीं है गावी खराब को कुत्ता बना देगा अगर बॉल लूज हुई तो यहाँ पे सो यू हैव गॉट प्लेंटी नंबर ऑफ चांसेस सिचुएशन जिसमें कि आप इस टीम को सेटअप कर सकते हो एंड आई बिलीव कि यार ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करा था होपफुली दैट मेड सेंस बट आई डोंट सी जी वी डूइंग ऑल ऑफ दिस बट कुड आ बिन रियली ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही अलग लेवल की चीज़ हुआ थी वी वुड हैव हार्ड ग्रेट प्लेयर्स इन ग्रेट अटैकिंग पोजिशन वुड हैव डेफिनेटली मेड अ बिग डिफरेंस बट अभी के लिए दास दाड गई सो या आई डो नो इफ दिस विल हैपन और नॉट बट आई रियली होप जी वी वुड डू समथिंग सो थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में हाउ डूड यू लाइक द आइडिया एंड हाउ डू यू लाइक द वी 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 वीडियो मैं मिलता हूँ वेरी सुन तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट